हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। नाकोड़ा द्वार नाकोड़ा पहुंच गए हैं। नाकोड़ा भैरू जी, जो जैन धर्म के भैरू जी हैं, वो मानते हैं एकमात्र भैरू जी हैं, है ना। ये नाकोड़ा द्वार पहुंच गए हैं और थोड़ा सा आगे नाकोड़ा है। पहले से गाँव का नाम मेवा नगर था, अभी भी मेवा नगर है, लेकिन अभी नाकोड़ा भैरू जी के नाम से जाना जाता है। नाकोड़ा लगाने पर लोकेशन आ जाएगा। ये मतलब बालोतरा से 10-1 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। माजूसा धाम से 7-1 किलोमीटर है, ठीक है। मंदिर में चलते हैं, दर्शन करते हैं। गाड़ी अपनी वो खड़ी, नाकोड़ा भैरू जी से 1 किलोमीटर पहले की लोकेशन है। पहाड़ी के बीच में मंदिर है, पहाड़ियों के बीच में जब मंदिर होते हैं ना, तो भव्य अपने आप हो जाते हैं। मेरे सर पर रख लो दादा, ओ मेरे सर पर रख लो दादा, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मंदिर का फर्स्ट लुक ऐसा है, जैन मंदिर ज्यादा अगर आपको पता होगा, मार्बल के बने होते हैं। ये सामने यहाँ पे मैं देखूंगा क्या है, और उधर भी एक मंदिर है, यहाँ पे भी एक मंदिर है, ठीक है। मंदिर में चलते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग फोटो अलाउ है कि नहीं है वो पता करते हैं, अंदर जाके पता चलेगा। बाहर से बहुत सुंदर है, फिर मंदिर आते ऐसा कुछ नज़ारा जो बहुत ही खूबसूरत है। रहने वहने की बहुत व्यवस्था है, और VIP लोगों के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी होटलें भी हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी होटलें भी हैं। नाकोड़ा जी के पास में ये पहाड़ी है जो ज़्यादा हाइट की है। परिसर बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है परिसर। यहाँ पे भोजनशाला है, और वहाँ सामने से आपको कूपन कटाना पड़ेगा 30 रुपये का, और आप नाश्ता पानी कर सकते हैं। मंदिर परिसर का काम अभी चल रहा है। मंदिर के अंदर आपके मतलब फोटो वीडियो अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ से आप ले सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और इधर आप बेल्ट वगैरह उतार के कैमरा वगैरह बाहर रख के जाना पड़ेगा आपको। ये सुंदरता के लिए कुछ बनाया गया है, काफी खूबसूरत लग रहे हैं। ये पानी का झरना जो रात को चलता है। जन्म जन्म का साथ तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा। बहुत ही गजब का मंदिर है, और अंदर क्या आवाज गूंजती है, ओम बोलते हैं ना, काफ़ी देर तक, कम से कम 1-1.5 मिनट तक ओम की आवाज़ आती रहती है। आकृतियाँ बनाई गई, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत आकृतियाँ बनाई गई, देवी देवताओं की बनाई गई है, गजब का सुंदरता बनाई गई है। आप इधर भी देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो, पूरे मंदिर का इसी तरह बनाया गया है, आप देख सकते हैं। सुंदरता बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। ये देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई गई, कितनी गजब की और कितनी बड़ी बड़ी बनाई गई है ना, इतना खूबसूरत लग रहा है। अंदर जा सकते हैं, नीचे से वो जो गुंबद है वो पूरा ऊपर तक गया हुआ है ना, देख सकते हो आप। चलो ऊपर जाके देखते हैं कैसा दिखता है, बहुत गजब का है। यहाँ से मुझे लगता है ऊपर से ना पूरा व्यू आ जाएगा, पूरा पूरे मतलब एरिया का, कितना गजब लगेगा ना। माय गॉड, यहीं से इतना खूबसूरत लग रहा है, ऊपर से तो पूरा दिखेगा, मतलब पूरा नाकोड़ा धाम दिख जाएगा। पास ऊपर आने पे थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, सांस भर गई यार। वो देखो कितना अच्छे व्यू आ रहे हैं, सांस भर गई मेरी तो, बहुत ऊपर है। बहुत ही भव्य और बड़ी मूर्ति है, यहाँ से पूरा पूरा मंदिर परिसर दिख रहा है, कितना खूबसूरत है ना। सामने होटल धर्मशाला वगैरह है, कितना गजब का है। देखो ये मेन गेट है, उसके बाद में वहाँ पे फिर मेन गेट है, मतलब ये मंदिर है, उसके बाद आगे मेन गेट है, फिर वो निज मंदिर है, आगे लास्ट में जो दिख रहा है गुबन दिख रहे हैं ना वहाँ पे। यहाँ ऊपर विशाल पिलर खड़े कर मार्बल के, गजब है ना।
इस साइड से लोकेशन कुछ इस तरह दिख रही है। तो ठीक है, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नाकोड़ा जी हम देख लिया, अब आगे नाकोड़ा जी में आप कैमल सफरी का भी मजा ले सकते हैं। श्रृंगारे हुए कैमल मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, घोड़े भी।